हमने सीखा। पहला, त्रिकोणमिति अनुपातों में निम्नलिखित संबंध होते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, जहां थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डिग्री एंड लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, जहां थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, जहां थीटा इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। दूसरा, किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को किसी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में लिखा जा सकता है। तीसरा, सर्वसमीकरण वे समीकरण हैं जो कोणों के चर के सभी मानों के लिए सत्य होते हैं। चौथा, कोण थीटा के किसी मान के लिए यदि एक त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात हो तो शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात किए जा सकते हैं। पांचवा, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों में निम्नलिखित संबंध होते हैं। साइन कोष्टक में 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस कोष्टक में 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, टेन कोष्टक में 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट कोष्टक में 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, सेक कोष्टक में 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, कोसेक कोष्टक में 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। छठवां, सर्वसमीकरणों को जांचना व सिद्ध करना कोणों के कुछ मानों के आधार पर नहीं किया जा सकता।